Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching The Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए. शुक्रिया शुक्रिया. प्लीज विराजमान हो जाइए. दोनों बड़ी खुश है ना आज. तमाम बैठे बैठे पैसे तुम लोगों को क्या जरूरत है काम करने की. बड़ी प्यारी लग रही शिमोना, और तेरी माँ सूट में तो और अच्छी लग रही है. अर्चना जी, हम सबका पाला दुनिया में दो तरह के लोगों से पड़ता है. एक तो वो लोग होते हैं जिनसे मिलके आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि अरे अर्चना जी आप, आपके मुंह पे भी खुशी आ जाती. एक होते मनहूस टाइप लोग, सड़े हुए, जिनको देख लो तो ना आप की रही ये कहां से निकले, क्योंकि उसका मुंह भी ऐसे ही होता है. ये हर जगह पाए जाते हैं. मोहल्ले में कोई नई गाड़ी ले ले, ये कभी बधाई नहीं देंगे, कमियां निकालने लगते हैं. नई गाड़ी ले ली, हाँ पेट्रोल वाली बंद हो रही भाई साहब. अभी बीच में अंदर की खबर आई, मैं बता रहा हूँ. हाँ ये होएंगी, एकदम से बंद होएंगी. वो आ रही आजकल वो अपना इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो बोलता नहीं इलेक्ट्रिक ही है. अच्छा अच्छा, तो चेक कर लेना, चलते चलते फट जाती है. मनहूस बात करेंगे हमेशा ही. इनसे किसी भी मौसम में पूछ लो आप, और भाई मजे में काएगी. गर्मी में पूछ लो, और भाई मजे में काएगे. मजे यार, घर से नहा के निकलते हैं, यहाँ पे गर्मी में पसीने से फिर नहा रहे हैं. साली आग बरस रही है आसमान से. स्कूटर पे खड़े होकर चला रहे हैं, चिंगारे छोड़ रही है, काएगे मजे होंगे. ये हमेशा सड़े रहते हैं. आदमी सोचता है चलो गर्मी है इसलिए तपा होगा. हाँ. बरसात में पूछ लो, और भाई साहब मजे बताए के मजे. चले कपड़े गीले हो गए, सूख नहीं गए. जगह जगह कीचड़ पड़ी है, गड्ढे पड़े हुए हैं. कीचड़ की ऐसे कंप्लेंट करते जैसे पहली बार देखी है. ये खुश होंगे. बंदा कहता है चलो बरसात में, चलो आदमी दुखी हो जाता है गर्मियों में. सर्दियों में तो हर कोई खुशी होता है. इनसे सर्दियों में पूछ लो, और सर जी मजे में, अबे काहे के मजे. चलिए इतनी सर्दी पड़ रही है, दांत किटकिटा के आधे तो जमीन पे गिर गए. सर्दी में काहे के मजे. बीवी मायके गई, साली पटनी रही, काहे के मजे. सर्दी में काहे के मजे. मुंह रजाई में लो, पैर बाहर आ जाता है. पैर अंदर लो, मुंह बाहर आ जाता है. सर्दी में काहे के मजे. अच्छा तो लगता है कि चलो कोई मौसम पसंद ना हो. हाँ. फेस्टिवल तो पसंद होगा. दिवाली वाले दिन तो सारे खुश होते हैं. इनको दिवाली पे आप बोल के देख लो. हाँ. महाराज हैप्पी दिवाली है, काहे की हैप्पी दिवाली. दिवाली पे लोग पटाखे फोड़ रहे होते हैं, ये गालियां दे रहे हैं उनको. इधर से आवाज आई, भड़ा मत है. ये खुशी नहीं होंगे भाई साहब. हैप्पी दिवाली काहे की हैप्पी दिवाली. सुबह से 10 लोग बख्शीश मांग चुके हैं. इनकी दिवाली हो रही, हमारा दिवाला निकल रहा है. अच्छा बख्शीश एक को भी नहीं देते, गालियां 100 दे देते हैं. फिर ऐसे सड़ू अंकल जो होते हैं ना मोहल्ले के बच्चे, उनको नकली मावे की मिठाई खिलाते हैं. नकली. फिर पूरे 12 घंटे बाद ना दांतों से ना सिंथेटिक निकाल रहे होते हैं. अरे क्या खिला रहे ये लोग. शादी में देख लो सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी से नाच रहे होते हैं, और ये नाचने वाले को गुस्से में देख रहा होता है. बाप की शादी है, इसके बाप की शादी है, नाच रहा है. सबसे ज्यादा गुस्सा इनको उस पे आता है जो नागिन बनकर नाच रहा होता है. नहीं 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 नहीं, देख लो ये बैंक में मैनेजर, इसकी हरकतें देख लो. ऐसे आदमी को तो सस्पेंड कर देना चाहिए भाई साहब. सस्पेंड करके इसको शाम की बिल में छोड़ो, नागिन बने उधर जाके. मनहूस. क्रिकेट मैच हो, अपनी टीम को गालियां दे रहे होते हैं. हाँ. भाई साहब इंडिया जीत गया. अरे केनिया से तो कोई भी जीत जाए. हिम्मत है, ऑस्ट्रेलिया से जीत के दिखाओ. हाँ. अगले दिन ऑस्ट्रेलिया से जीत गया भाई साहब, ऑस्ट्रेलिया से भी जीत गया इंडिया. अरे भाई साहब आपको पता नहीं है. हाँ. ये जो क्रिकेट की मार्केट है इंडिया में सबसे ज्यादा है. हाँ. ये मार्केटिंग वाले लोग हारने नहीं देते इंडिया को. बड़े लेवल का गेम है, आपको समझ में नहीं आएगा. ये ऐसे लोग होते हैं जो भगवान से भी खुश नहीं होते. भगवान खड़े होते ना मंदिर के बाहर, इनको देख के भगवान भी कहते तू निकल. तू तो मेरी बनाई हुई दुनिया को गाली दे रहा है. ये तो होते हैं सड़े हुए लोग. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ऊपर वाले की इतनी मेहर होती है कि आप उनको मिलते ही मुस्कुराने लगते हैं. आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है जी. और लोग अपना दुख दर्द एकदम से भूल जाते हैं. ऐसे हम सबके चहेते थे राजू श्रीवास्तव साहब. एक बार जोरदार तालियां हो जाए. और आज का ये हमारा जो एपिसोड है, ये हमारी तरफ से उनको एक दिल से श्रद्धांजलि है, उन्हीं को समर्पित है. और उसके लिए हमारे साथ होंगे उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे साथी कलाकार जो राजू भाई को प्यार करते हैं, और राजू भाई भी उनसे बहुत प्यार करते थे. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मंच पे बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील पॉल
मिस्टर एहसान कुरैशी, मिस्टर नवीन प्रभाकर, मिस्टर राजीव ठाकुर, राजीव निगम, मिस्टर रहमान, मिस्टर वीआईपी, मिस्टर खयाली, मिस्टर सुरेश अलबेला, मिस्टर जय विजय सचान एंड मिस्टर रजत सू। तालियां रुकनी नहीं चाहिए भाई। वेलकम 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 खयाली भाई, वेलकम 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 भाई, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। थैंक यू मैम। आज देखो जितने हंसने वाले हैं सामने उतने हंसाने वाले हैं। वैसे हम मिलते रहते हैं कभी कभार किसी मौके पे, लेकिन आज इस मंच पे आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आज सभी का। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी बीच में से राजू भाई भी निकल आएंगे। और सचमुच मैं सुन रही थी कि इतने सारे हमारे साथी कलाकार जो है आने वाले हैं, और मुझे पहला ख्याल है मैं कहा राजू, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ दिस इज अ ट्रिब्यूट टू राजू, बट आई हैव टू से दैट आई स्टूड अप हियर बिकॉज आई वॉन्ट टू पे पर्सनली अ ट्रिब्यूट टू राजू। ही वॉज सच अ फाइन एक्टर, सच अ फाइन, मैंने उसके साथ एक्टिंग की है, मतलब सीन्स इन फिल्म्स, फिर वो स्टैंड अप में ज़्यादा माहिर और फेमस हो गया, बट आई थिंक ही वॉज एन एक्टर एंड अ स्टैंड अप एंड अ वंडरफुल कॉमिक टैलेंट। वी लॉस्ट हिम टू अर्ली। अभी इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में एक हफ्ते पहले उनके बीमार होने से पहले, आप तो थे वहाँ पर, वो सरपंच थे कपिल, उसने बोला था मैं इसी मंच पर जीना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं खुशी मिलती है। और अर्चना जी मैं सिर्फ कॉमेडी के लिए बना हूँ, और अगर मैं जाऊँ भी तो मैं कॉमेडी करते करते जाऊँ। तो आई एम सो हैप्पी दैट आज हम जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको, वो आंसुओं से नहीं, हम आप सबको हंसा कर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, खुद हंसकर। दैट इज द ओनली ट्रिब्यूट दैट राजू डिजर्व्स। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर एंड लेट्स गिव अ ट्रिब्यूट टू रिमेंबर फॉर राजू श्रीवास्तव। Yeah. मैं छोटी सी झलक में चाहूंगा कि सब हम लोग देखें कि किस तरीके राजू भाई के आने से एक एनर्जी भर जाती थी ऑडियंस में। प्लीज आज लाफ्टर का डबल ट्रिपल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे वाह, मैं बैठ जाऊं, आपका शुरू हो गया। आओ बैठो, चलो ठीक है बैठो। देखिए मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है, मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है। मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है, जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे हम कर लेंगे। मैं एक बार साफ कर देना चाहता हूँ, क्या ये कपिल जो है इतना संस्कारी है, आए हाय, इतना कल्चर्ड है, आए हाय, इतना सीधा है, ओए होए, इतना भोला है, ओए होए, ये बाथरूम के अंदर टॉवल पहन के चड्डी बदलता है। जो हंसे उसका घर बसे। वाह, जो हंसे उसका घर बसे। कपिल ध्यान रखो, हंस ले जरा। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। कपिल तुम मेरी बात से एग्री करोगे, एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते हैं लोग, बोलते हैं नाम में क्या रखा है। भाई साहब नाम में बहुत कुछ रखा है, आप सोच के देखिए। अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती, और कपिल का नाम हो रमा शंकर। वाह 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 वाह। आप सोच के देखिए, आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते, तब भी होते, बाकी तो टैलेंट वही होता तब भी होते, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अच्छा अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी। जैसे एक प्रदेश है ऐसा लगता है वो बोलता है, अरुणा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दोस्तों कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उनमें एक दबंगई है, एक मर्दानगी है, एक गुस्सा है। जैसे एक शहर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़। सही बात,
चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, विजयवाड़ा, भगवाड़ा, भटिंडा। क्या बात है यार, कुछ है ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है या तो कमजोर हैं। इतने जाड़िया जड़े लोग, बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है, ये कौन है? ये बरेली। इसके पीछे कौन है? उरई। वो एकदम पतली सी, वो परेल। पुरी, पुणे, चुरू। उस पीछे कौन है, जाड़िया कौन है? वो दूसरा काठ गोदाम। वो कौन है, खतरनाक खतरनाक चेहरे वाला, वो कौन है? हावड़ा। कोलकाता। यार क्या बात है, घाट कोपर, काट नाला सोपर। उसके पीछे तीन महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है, ये कौन है? कांदी वाली बोरी। धन्यवाद मेरे सब साथी कलाकार। आइए सर, आज पहली बार इतने सोफे हमने बाहर से मंगवाए, आइए। बगल में बच्चन साहब का सेट लगा, वहां से भी चार सोफे आए हैं। जब हम सब ने शुरुआत की, सब अपने अपने फील्ड में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्टेट्स में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन राजू भाई और जॉनी भाई तो ऑलरेडी बहुत नामी कलाकार थे, लेकिन लाफ्टर चैलेंज जब आया तो पहला सीजन जो था, सुनील भाई उसके विनर रहे हैं, एहसान भाई, राजू भाई, ये सब एक सीजन में थे, नवीन भाई। सो इन्होंने जो किरदार किए, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम जो थोड़े बहुत हम भी किरदार आके स्टेज पे निभाए, वो बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। राजू भाई गजोदर का किरदार करते थे, सुनील भाई ने जब वो शराबी का किरदार किया, आपको पता है, आपको देख के मुझे लगा कि यार मैं भी कोई करेक्टर करूंगा अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो। तो मैंने ख्याली भाई को अपनी सीडी भेजी थी, अगर आपको याद हो। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ लाफ्टर चैलेंज का, पता नहीं सच कहा था कि नहीं। वो मैंने इनको सीडी भेजी, मैं को मुझे कॉल आएगा, कॉल कॉल क्या, इनका प्रोमो आ गया। अच्छा मेरे को सुनील भाई से पूछना है, जब मैंने आपको देखा तो मैंने एक करेक्टर निकाला पुलिस वाले का, वो इसलिए निकाला क्योंकि मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ और पुलिस कॉलोनी में रहता था, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो रतन नूरा किया, कितनी शराब पी आपने, वो किरदार कैसे आया भाई, बड़ा कमाल किया था आपने। मेरे पिताजी काफी ठीक ठाक, भगवान की कृपा से उनका नाम काफी नाम और इत्तेफाक से जब मैं यहाँ पर आया तो ये रतन नूरा जो मुझे मिले वो भी एक टैक्सी ड्राइवर थे और वो भी शराबी थे। वो कैरेक्टर ही कमाल था, मतलब उसको देखते ही प्यार हो गया उस कैरेक्टर से। भाई हम दोबारा देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार हो जाए। जी भाई प्लीज। रतन नूरा टैक्सी ड्राइवर थे, एकदम दुबले पतले, एकदम फनी बोन, हड्डी का ढांचा एकदम, लेकिन हमेशा मरने और मारने की बात करेंगे हमेशा। का देख रहा है वे? अबे फिर देख रहा है? अबे फिर देख रहा है? साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा, का देख रहा है? और रात के 12 बजे के बाद जब वो रेस्टोरेंट बंद होता था, वहां खाना खाने आते थे बंद होने के बाद, और वो साउथ इंडियन लोगों का था, साउथ इंडियन के जो सेठ लोग होते ना, वो 4-5 लोग बैठे हुए उनको धमकी दे रही है, खाना दो खाना दो। है नहीं अरे सब खुद खा गए का? अबे तुम्हारा नाम अन्ना है तो अन्न दो। अरे वो होटल बंद हो गया रे, अभी जाओ। वो बेचारे सरेंडर कर देते थे, उसको पता था कि एक थप्पड़ भी मारूंगा गिर जाएगा, दफा 302 का केस है ये। और फिर लोकल एरिया के नेता का नाम लेता था, रमाकांत शिंदे का नाम सुना है? बोले हाँ। आप कोई कनेक्शन है? उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है।
बहुत बढ़िया। साले होटल टोटल बंद करवा दूंगा, समझे? भावनाओं को समझो। अब एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, टीबी के मरीज थे। तो मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब यहाँ से जाकर शायद ऊपर वाले से उन्होंने कहा होगा, कैसा आदमी है तू भगवान, हमको जल्दी बुला लिया, अभी तो बहुत कोटा बाकी था। चल अब ये बुला ही लिया है भगवान तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन ले। वो धरती पे दिख रहा है साला स्ट्रगलर, हाँ वही सुनील पाल, सिर्फ हड्डी नहीं है खाल, हमको जो कुछ दे सकता था उसको दे दे। क्या बात है, हमको तो टीवी वाला बनाया, उसको टीवी वाला बना दे। बहुत अच्छे। एक काम कर भगवान, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर। बोले क्या है? हमारा नाम ही उसको दे दे। तो हमारा नाम है रतन नूरा और आपके बिना हम हूँ अधूरा। काहे कि आप ही हमरे काशी और मथुरा, और आपको जो नजर लगा वो है धतूरा। और आज फिर वही बात कहूंगा कि राजू भाई के लिए हम जब आए हैं यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा, सोचा भी नहीं था कि कभी उनके बिना भी हम कोई महफिल सजाएंगे। बस यही कह सकते कि राजू भाई ने जो कुछ हम शागिर्दों को सिखाया, शिष्य को सिखाया, कोशिश करेगी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। वो तो आसमान है और आसमान की तरह चमकेंगे, बस उनके चरणों की धूल हम तक पहुंचे और हम हंसाते रहे, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, लव यू। एहसान भाई हमारे, आप सब जानते हैं इनका अंदाज जो है बड़ा निराला है। एहसान भाई जब जिस चीज को सुनाते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि हम लोगों को ना कभी कभी जोक का सहारा लेना पड़ता है या कुछ ना कुछ ऐसा, एहसान भाई का ऐसा स्टाइल है मजेदार कि जो शुरू होते हैं जब गर्दन हिलानी। एहसान भाई जो आप गर्दन हिलाते हैं जी, मैंने देखा बिना गर्दन हिलाया आपका पंच निकलता नहीं, मुंह में फंस जाता है कि आप हिला के निकालते हैं, ये कैसे शुरू हुआ एहसान भाई? क्योंकि निजी जिंदगी में ये बड़े सीरियस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि, पर ये कैसे आपके मन में आया कि मैं ये ऐसे करके लोगों को हंसाऊंगा? मेरे बाल बहुत बड़े हुआ करते थे जी, तो आंखों में आ जाए तो उनको पीछे फेंक दे। लोग समझ गए यार यही अंदाज अच्छा है। मैं दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज जी। क्या बात, बेहतर। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में जब मेरी एंट्री हुई, शेखर जी बैठे, सिद्धू जी बैठे, आज तो लेडी सिद्धू हैं, प्रणाम करता हूँ। तो सर मैंने सिर्फ दो लाइन बोला, सिद्धू जी ने ठहाका लगाया शेखर जी ने, तो मैंने कहा ये चल जाएगा, ये हंसे तो दुनिया हंसेगी। सिर्फ दो लाइन बोला था, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, मैं कविताएं सुनाता हूँ दो या तीन, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। मेरी थोड़ी कपिल भाई हिम्मत बढ़ी जी, फिर पिटारे में से दूसरा सामान निकाला। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया, दुकानदार बोला बियर्स के आंसू मत बहा, जाके तू भी उसी साबुन से नहा। वाह वाह वाह। तो फिर ये स्टाइल को पूरे देश ने प्यार किया, आप सबका आशीर्वाद रहा, 24 देशों तक गया सर। वाह वाह। इस मंच को सलाम। 24 देश जाने के बाद एक ही चीज मन से कहता हूँ, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। और राजू भाई को सलाम। इस माटी को सलाम करता हूँ, इस पवित्र धरती को सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ आज के हालात देख के कि अगर 7 जन्म मिले, 7ों जन्म इसी देश में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये देश बड़ा विशाल और महान है। महान क्यों है, मैं 4 लाइन स्टाइल से सुनाता हूँ कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं
इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े। क्या बात, क्या बात है। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू भाई मेरे। वाह वाह। अगर वक्त हो तो एक दो बात और कर लूं। जी जी प्लीज, प्लीज। बहुत काम की बात। जी जी। अच्छा, अर्चना जी, अर्चना जी, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। जी वाह, बहुत अच्छा। अर्चना जी को तो दुआ दे दिया। हाँ। अब सब देख रहे हैं हमको बद्दुआ देगा क्या। नहीं, मैं आप सबको भी दुआ देना चाहता हूँ। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े, और आप सबके दुख रणवीर कपूर के कपड़ों की तरह घटे। रणवीर सिंह सॉरी। हाँ भैया, एडिट कर देना। हाँ, नहीं तो क्लेम बन जाए। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की तरह बढ़े, ये ऐसे ही रखना। हाँ, और आप सबके दुख रणवीर सिंह की तरह, रणवीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। रणवीर सिंह जी के कपड़ों की तरह घटे। मैं दिल से राजू भाई को सलाम करता हूँ। राजू भाई को क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और राजू भाई को हम लोगों की सब कॉमेडियन जमात की तरफ से दो लाइन कहना चाहता हूँ कि आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, राजू भाई आपको दिल से सलाम करता हूँ। वाह जी, हमेशा याद करेंगे तुमको जमाने वाले, कहाँ जाके छुप गए सबको हंसाने वाले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है, धन्यवाद आसान भाई। बहुत अर्चना जी, मुझे एक बात याद आई, जब हम लोग सब लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान से बहुत फनकार आए थे, हमारा सौभाग्य कि हमें मिलने का मौका मिला। सुनील भाई आपको याद होगा, मानुल्लाह खान साहब। हाँ। इतने बड़े फनकार अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक बात कहते थे कि यार जो भी कॉमेडी करता है ना, हमेशा गरीब का बच्चा करेगा, इसलिए आपको इस मंच पे आज कोई अमीर का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे इनके बच्चे अमीर हो गए, वो ऊपर वाले की कृपा है। तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी ना, कि जैसे हमने कहा कि सुनील भाई को किरदार करते हुए देखा या राजू भाई को देखा, कि सब निजी जिंदगी में से हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही नवीन भाई ने जब बार गर्ल का करेक्टर किया। नवीन भाई, जवानी के कितने साल गुजारे हैं आपने बार गर्ल? जनरली कहाँ से पकड़ा था आपने किरदार? बच्चे की जुबान पे आ गया था। इतना मजेदार था और इतना स्वीटली आप करते हैं। वैसे ये बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, एक्टर भी हैं, फिल्में भी करते हैं, सीरियस काम भी करते हैं, और ये अभी इनका रूप रूप लगता नहीं कभी बाहर में गए होंगे। या एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। और हम लोग कैरेक्टर ढूंढते हैं जी। सो ये कैरेक्टर मिला था लोखंडवाला में। अच्छा। तब वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड मोबाइल के 16 रुपये, इनकमिंग 16 रुपये, आउटगोइंग होता था। उस वक्त मेरा फ़ोन था, और मोबाइल जब आया था तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जाके सीधे पीसीओ में जाके चुपचाप, कोई देखे नहीं, जाके वहाँ से कॉल करता था। तो उस वक्त ये कैरेक्टर वहाँ पर ऑलरेडी अंदर थी, बार गर्ल। अच्छा। तो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़ को कॉपी किया और स्क्रिप्ट मैंने अपने डाल दी। अच्छा। तो Rest is history. मुझे आज देखना है कि मिमिक्री के पंच पे आप लोग कितनी जल्दी हंस पाते हैं। ठीक है, अमरीश और गुलशन एक पार्टी में मिल गए, टल्ली पार्टी थी, और अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, ओए गुलाटी, सामने वाली औरत को देख रहे हो? देख रहा हूँ, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूँ।
उसकी साड़ी देख रहे हो? मैंने दी है। 15 मिनट के बाद फिर बोले, उसके कान के झुमके देख रहे हो? देख रहा हूँ। मैंने दिए है। 15 मिनट के बाद गुलशन ग्रोवर बोले, उसके बाजू में खड़ी बच्ची देख रहे हो? और वो जो दो शब्द मोहब्बत के, जिसकी वजह से लाफ्टर चैलेंज ने मुझे सारे जहां का प्यार दिया, और वो ही दो शब्द, अरे पहचान जिसके लिए बोले। तुम तो भूल ही गए। बारगल जब टेलीफोन बूथ पे बात करती, उसकी एक टिपिकल आवाज होती है, और सामने वाला आदमी क्या बात करता है ये इसकी बातों से पता चलता है। अच्छा, हीरो। वाह वाह। हेलो। हेलो, कौन कौन बात कर रहे हैं? कौन? गणेश। हाँ बोल। मैं चुतू, कैसा है? सॉलिड। तू? नहीं रे, अभी उठी, अंडा बनाई, पकाई, खाई और आई। सेकरन है? सेकरन को देना। Hi, Sekrana. Hi, how are you? I am fine, thank you. मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? पहचान कौन? चन्ना भी नहीं, सोनी भी नहीं। क्या खुफिया बंदी कर रहे हो? जूली बोल रही हूँ। क्या बंदी कर? नहीं है ना, प्लीज नो। कभी परसों? नो, सैटरडे ना, नो प्लीज। मेरे घर पर ना सैटरडे मेहमान लोग आ रहे रात को लंच पे। रात पे लंच? लंच तो घर पे आऊ ना। अरे बाबा, अभी दूसरा है। अभी दूसरा? अरे लास्ट टाइम आए थे वो दूसरा, अभी दूसरा लिखो चुपचाप। लोखंड वाला अभी पूरा किधर बताई मैं? किसको भी पूछेगा ना, जूली किधर घर तक लाके छोड़ के, समझा ना। अपना भी इज्जत है एरिया में। तुमको तो वही मांगता है। नो। नहीं बोली नो। सब लोग देख रहे, सबके सामने कैसे बोलूं? एक ही बार। ओके। I love you, no? कान फूट गए क्या बेवड़े? अक्कल लोखंड वाला जमाओगी मेरे पीछे? जोर से बोल, जोर से बोल। कितना जोर से बोलने का? लुक्का बेवड़ा। प्रॉमिस? ओके, डोंट मिस। हट कुत्ता।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया भाई, बहुत थैंक यू, सुपर, क्या बात है। जैसे हम आज अर्चना जी किरदारों की बात कर रहे हैं, राजू भाई के बारे में खासियत ये थी कि इंसानों के किरदार तो पकड़ते ही थे, जानवर जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बड़ा बाखूबी पकड़ते थे। एक छोटी सी झलक मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें। मैंने ना इन कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में। अच्छा, कुत्तों से बातचीत की। कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है। अरे किस बात को लेके? कुत्ते वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है, मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ। इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है, घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया, गो 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 गेट इट गो, क्या हो गया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, गो टॉमी, टॉमी गो, टॉमी टॉमी कौन, टॉमी कौन, मैं नाम रख दिया, किसको रखा उसको तो बताओ, गो टॉमी गो 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 गेट इट, क्या अर्जेंट है क्या, अर्जेंट गो टॉमी, अच्छा पता नहीं इसको मजा आता होगा, गया मुंह से बॉल लिया दे दिया, उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा, बॉल दे के अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर मैं गो गो टॉमी गो, क्या बात हो गई, सत्यनाशी जब तू बॉल मंगाता तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। हम लोग जब अर्चना जी फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज में आए ना तो मेरा एपिसोड सबसे पहले रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद राजीव की बारी थी, ये करके आया, अभी एपिसोड ऑन एयर हो गया था, हो गया, इसको फोन आया और फोन किसका आया? सुनील भाई का। सुनील भाई का। अच्छा अच्छा, फोन उठाए ना, ये दिखाई जाए, मैं कहा उठा ले कट जाएगा, ये दिखाई जाएगा ना, सुनील पाल का फोन है, सुनील पाल का फोन। उसके बाद कट टू लाफ्टर चैलेंज फिनिश हुआ, फिनिश हुआ, हम लोगों को दोनों को एक शो मिल गया गोवा में, गोवा में, गोवा में हम लोग पहली बार गए, 5 स्टार में जिंदगी में हम पहली बार रुके, हम दोनों डर के मारे एक ही कमरा ले लिया, उन्होंने बोला नहीं आपके दो अलग अलग हैं, हमने कहा नहीं हमें एक ही चाहिए, क्योंकि हमें था कि पहले परफॉर्मेंस हो जाए, अच्छी होगी तो फिर देखेंगे, नहीं तो हमसे ना किराया मांग ले। भूख बहुत लगी हुई थी, मेन्यू निकाला, डोसा निकलो 400 रुपए का, मैं कहा डोसे पे क्या जरी का काम है, इतना महंगा डोसा, पिज्जा 1400 का, हम लोग ऑर्डर ना करें। उतनी देर में जॉनी भाई का फोन आ गया। अच्छा, हम नए नए टीवी पे आए ना, जब इसको सुनील भाई का फोन आया मैं इसके साथ था, जब मुझे जॉनी भाई का फोन आया ये मेरे साथ था। अच्छा, मैं कहा ये देख जॉनी भाई का फोन आया। उसके बाद रात को जब परफॉर्मेंस हो गई तो वो लोग लाफ्टर चैलेंज के फैन थे, हमारे तो क्या, हम तो अभी अभी आए थे, तो जैसे ही वो शो हुआ बड़ा अच्छा हुआ, फिर जाके हमने मेन्यू खोला, फिर हमने प्राइज नहीं पड़े, ये भी आने दो, ये भी आने दो। पर उस समय मैं याद है, क्योंकि कोई भी कलाकार नया आता है उसको अगर आप एप्रिसिएशन के 4 वर्ड यू नो मिल जाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, आपका उत्साह बढ़ जाता है, जो अर्चना जी पिछले 10 साल से हमारे साथ कर रही हैं। लव यू अर्चना जी, और आई लव यू ऑल। शर्मा जी, ये सेलिब्रिटी किस तरफ है, ऑडियंस किस तरफ है? बढ़िया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सेलिब्रिटी उस तरफ है, हमें इस तरफ है। अच्छा, ए सेलिब्रिटी यहाँ है, ऑडियंस यहाँ है। अच्छा, मतलब सुमोना अभी सेलिब्रिटी नहीं रही। हम अपना तारुफ करा देते हैं, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं, दिल से इतना खुशी हो रहा है, मतलब इतने बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, साथ में राजीव ठाकुर भी आए हैं। दिल से
बहुत प्यार करते हैं आपसे। नहीं, लेकिन आपने हमको पहले बताया होता ये सब लोग आ रहे हैं, फार्म हाँ हमारा 50 रुपए का नुकसान हो गया। तुमने बताया हमें कि सरकार ने सिर्फ चीते मंगाए, तुमने बताया भालू भी मंगाए। 50 का नुकसान कैसे हो गया? अरे हम अनार का जूस पी के आए ना 50 रुपए का, तो? खून बढ़ाने के लिए। पहले पता होता ये लोग आ रहे हैं, ये यहाँ पर आके हमको हंसाते, खून अपने आप ही बढ़ जाता। ये देखिए महाशय, ये भी सबके सब यहाँ पर आए हुए हैं। कितना ए, यार आप है यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा हो गया, रिबिन काट देंगे। ये क्यों काटेंगे? नहीं नहीं, हमारी मम्मी ने कहा है कि रिबिन हमेशा VIP से कटवाओ। उनका नाम VIP है, लाई लोटा। सिर्फ नाम के VIP हैं आप, काहे का रिबिन काट? आप फ्रूट्स का किए? और ये सारा का सारा काट के आप जरा इनको खिलाइए। हमारे ख्याल से ख्याली जी को खाने का खास जरूरत है। सुनील पाल, कॉमेडी के लाल, जरा हमको बताएंगे ये कॉमेडी के लाल पदवी किसी ने और ने आपको प्रदान किया है कि आपने खुद ही हड़प लिया? एक और बात बताइए, आपके मम्मी पापा आपको सिर्फ पोस पोस के बड़ा किए होंगे ना, क्योंकि काल तो ये पहले से है। एक और बात बताइए, कभी आप KBC में जाएंगे तो वहां पे भी ऑडियंस पोल लेंगे या ऑडियंस पाल ही ले लेंगे? मत हंसा कर ऐसे, मत हंसा कर, तेरा मुंह गिर जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ। बच्चे डर जाते हैं लोगों के, वो देख पीछे। तो कहाँ डरे, और डरे तो अच्छी बात है, देखिए डर के आगे जीत है। अच्छा नहीं, राजीव निगम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऐसा 2-3 घंटे का टाइम होगा ना आपके पास और थोड़ा? क्यों, कहा सबसे बातचीत करके आप तक पहुंचेंगे? तब तक 2-3 घंटा लग जाएगा, आराम से आराम से। और फिर इतना सारा बातचीत करने के बाद हम आपसे घंटा बात करेंगे? नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि एक पूरा घंटा आपसे बात करेंगे। ए शर्मा जी, जी रजत सूद, रजत सूद की यहाँ पर, हमारे पर्स कहाँ है? पर्स कहाँ है हमारा? ये क्या बोल रही है तू? नहीं हम कह रहे हैं हमारा पर्स कहाँ है, हम इनको बधाई देना चाहते हैं। हम शगुन लेना चाहते हैं, विजेता है यार, जोरदार तालियां। एक मिनट, आप अपना ऐसा बहुत शायरी वायरी भी बोलते हैं ना? जी हम एक पेश करेंगे शायरी आपके लिए। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड। इशा जी जी, मैं आप ही का शुभ, आप मना कैसे? अर्ज किया है एहसान कुरैशी जी। इरशाद, इरशाद, हम पटने के लिए हैं तैयार, आप पटाते क्यों नहीं? रजत जी क्या हाल बना रखा है, कुछ खाते क्यों नहीं? अरे आधा बर्फिया खाएंगे तब ना जब तू कुछ छोड़ेगी खाने के लिए। तुम शर्माती भी बहुत हो, इतराती भी बहुत हो, इसलिए नहीं पटाते कि तुम खाती भी बहुत हो। आपका उसूल है कि जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। मैंने एक लाइन और लिखी उसके बाद, क्या बताइए अर्ज किया है? हाँ, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं, और जिस लड़के पे तुमने लाइन नहीं मारी ऐसा कोई भी बंदा नहीं। एक लाइन और, ऐसा मुंह लेके आओगी तो मिलना तुम्हें चंदा नहीं। हम बैठ जाते हैं, आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। नहीं आखिरी 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 आखिरी, आपसे अच्छी तो आपकी चोटी है, आपसे अच्छी तो आपकी चोटी है, पटने की बात मत करो अभी आपकी उम्र छोटी है। वाह, अर्ज किया है कि टेबल पे पड़ा है पपीता, ड्रैगन फ्रूट और केला, तुम्हें दिखाई नहीं देता अलबेला? और मैं ये कह रहा हूँ, आप पटने के लिए हो तैयार, सब पटाते क्यों नहीं, इसकी छोड़ो उसकी छोड़ो, आप अपना घटाते क्यों नहीं?
अर्ज किया है, अर्ज किया है, अलबेला से शादी कर लो, प्यार तो करेगा ही, हंसाएगा भी और प्यार के साथ साथ ताली बजाएगा भी। वाह सर, आप लोग ये सब जो हाँ हमारे साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं, ये तो समाज सेवा की वजह से हमें खाना पड़ता है। अच्छा, कल हम अपने घर से निकले, समोसे वाला हमको दिखा, अब समोसा नहीं खाएंगे तो उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। थोड़ा सा हम आगे गए, भजिया वाला दिखा, अब भजिया नहीं खाएंगे उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। थोड़ा आगे गए, पानी पूरी वाला दिखा हमको, तो उसके बच्चों के लिए खाया तुमने? नहीं नहीं नहीं, पानी पूरी हमको बहुत पसंद है। अच्छा। वो हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं। अच्छा। मजा आता है और ऊपर से रहमान जी बनाते भी इतना अच्छा है ना। इतना जो खाने पीने का बातचीत हुआ है, एक ख्याली जी के मुंह में पानी तो आ ही गया है, दिख रहा है। नहीं, लेकिन अच्छा है, पानी जब तक आ रहा है तब तक ठीक है, आपके मुंह में पुलाव नहीं आना चाहिए वरना ख्याली पुलाव बन जाएगा। वैसे हम सच में सोच रहे थे किसी स्टैंड अप आर्टिस्ट से ना हम शादी करेंगे, हाँ लेकिन एहसान जी आपसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं लेते। और ऐसे अगर बाई चांस हमारा और इनका शादी हो भी गया तो वो कहते हैं ना कि एहसान तले दब गए, ऐसा पहली बार होगा कि एहसान किसी के तले दब जाए। चलिए तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि शादी तो करना है, किस हिसाब से चूज करें। पर 12 लोग कम नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मटकते हैं, ऐसा डांसिंग क्वालिटी देखेंगे उसके हिसाब से चूज कर लेंगे। चलिए चलते हैं। एक मिनट एक मिनट, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगा। ओह माय गॉड, नो। एक शर्त पे, अगर आप मेरे घुंघरू पे नाचो। ओए होए, मजा आ जाएगा। जैसे हमारे तबला वादक बजाएंगे वैसे डांस करना है, और घुंघरू मैं दूंगा। अच्छा, पहले थोड़ा मटका जाए। थोड़ा तेज, घुंघरू गिर गए। ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे कपिल भाई ने बोला था खाली इसको डांस करवाना है, शादी में नहीं करूंगा मैं। धोखा दिया है आप हमें। मेरा नाम ही धोखा है। पीछे मिल लिया आप। आप आइए। वीआईपी भाई, प्लीज। लव यू भाई। शुक्रिया भाई। वीआईपी नाम जो दिया है सोनी टीवी ने दिया है मुझे, वो ही वापिस लेगा आज। हाँ। अगर सही ठीक किया। मेरी खुश नसीबी की कॉमेडी का बादशाह हंसे गंडा उस शो में जस्ट थे राजेश श्रीवास्तव जी। मिमिक्री मेरी स्ट्रेंथ, आप सभी जानते हैं, हंसना रोना खाना पीना हर जगह मेरे अंदर मिमिक्री होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ बॉलीवुड को, अगर बॉलीवुड नहीं होता तो मेरा शायद घर नहीं चलता। थैंक यू सो मच। ये मेरा खास और फेवरेट आइटम है, आइटम मैं जहाँ भी जाता हूँ एक बार करता हूँ, दो बार करता हूँ, तीन बार करता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं मत कर, फिर भी करता हूँ। मेरा फेवरेट आइटम वो आइटम है, जब हम और आप बच्चे थे हम लोग कैसे रोते थे, गेस कीजिए, जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे रोते थे, जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा। अच्छा। दादा मुनि अशोक कुमार, अशोक कुमार पैदा सी बीमार, झूले में कैसे रोए होंगे। शाहरुख खान छोटा वाला अंकल प्यार कर रहे ले 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 ले। अबे तेरी तो अंकल ने छूटी बनी। सबसे लकी बच्चा देवानंद,
पैदा होती हर नर्स की गोद में खेल के रोए। देव साहब पैदा होते एक नर्सिंग के लिए मुंह में गई धपाक, तभी से देव साहब ऐसे ही थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस रंगमंच का। जैसे कपिल भाई ने कहा कि सब गरीबी से आए हैं, तो हम लोग स्टार बनने के बाद हमने सब हर कंट्री में गए। हम लोग हमने बड़ी बड़ी फ्लाइट पकड़ी, जहाँ पे कोई कभी हमारे बाप दादा नहीं गए वहाँ गए हम। आप लोग भी फ्लाइट में बैठे होंगे, जो नहीं बैठा मैं उनको बैठा देता हूँ। अभी ऊपर ही है, पैसेंजर सब ऐसे है। अच्छा अभी फिर एक आवाज दीजिए, सब बेल्ट खुल दे। अच्छा एक आज तक किसी के बाप को समझ में नहीं आया, एक आवाज है जो फ्लाइट उड़ने के दो चार घंटे के बाद पायलट एक अनाउंसमेंट करता है। खाली एक समय में तो लास्ट में बोलता है हेवन एस फ्लाइट। अब मैंने ऐसी आइटम बनाया कि जो जिस कंट्री का मुझे लगता है कि उसकी एयर स्टेज वैसी होगी, जैसे अमेरिका लंडन ये बहुत पैसे वाले, तो उनके जो एटीट्यूड होगा उनका जो मतलब अनाउंसमेंट की एटीट्यूड, यहाँ तक एयर स्टेज भी एटीट्यूड में अभी झगड़ा करना है चाय हो सबसे अच्छी जो अरब कंट्री की, देखिए ऐसा लगता है कान में बात कर रही है। मरहबा वहनिया तना कमशिंगला आम हवीरता शिफा आखानिया पैसेंजर सारे उसके बाद अब जब थाईलैंड तो सभी गए होंगे जी, गए सब मानता कोई नहीं है। अच्छा हम लोग कभी शॉपिंग के लिए बाहर थाईलैंड में बाहर जाते हैं, अब इंडिया में देखो आप कोई अगर कोई शॉपिंग करो कितने का है 200 का है, 100 में देना अरे चल आगे चल। लेकिन वहां पर हाउ मच 200 बात 100 नो 200 बात प्लीज 100 नो फिर कैलकुलेटर निकालती है Only for you. But India, Indian, only for you. 190. अब इंडिया में आई आप, इंडिया की कोई भी फ्लाइट में बैठी आप, जैसे लैंड हुई नमस्कार दो द्वारा के सर बैठ जाइए सर 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 बैठ जाइए सर प्लीज सर हेलो हेलो बैठ सर सर बैठ सर प्लीज सर बैठ जाइए सर सर बैठ जाइए सर पता नहीं सबको क्या खाई होती है खाई तो अरे बस एक ही है भाई, सब एक बस में जाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे, बात अलग कपिल भाई अलग जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वाह वाह जोरदार ताली हो जाए रियाजी भाई के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू हमारे ख्याली साहब। राजू भाई मुझे मिले थे 2005 में पहली बार चंडीगढ़, सुनील पाल जी और साथ में आए थे एहसान भाई भी, जब लॉफ्टर चैलेंज के बाद चैंपियन शुरू हुआ था, तो मैंने कहा भैया मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लॉफ्टर चैलेंज 2 के लिए, मुझे बुलाया। बोला अरे तू तो चैंपियन बनेगा, तो पक्का जीत के आएगा। एक ना राजू भाई का जो स्टाइल था, हर छोटी छोटी चीज में से कैसे ऑब्जर्वेशन निकालते थे, तो पिछले दिनों में गांव गया ना तो मेरे को वही चीज याद आ रही थी कि यार राजू भाई होते ना तो इन सब चीजों से कैसे कैसे वो आइटम बना लेते। तो कुदरती है ना, हमारे गांव में अंग्रेज आए हुए थे 5-7 घूमने के लिए,
तो गांव वालों ने मेरे को धक्का मार के आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे स्पीको स्पीको। अब हम लाफ्टर वाले जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन स्पीके क्या, हमारी एबीसीडी कमजोर है। तो बोले स्पीक दिस इज बॉम्बे स्पीको। अब अंग्रेजनी ने सबसे पहले वो ही पूछा जिसका मुझे डर था, व्हाट इज योर नेम। अब मैं क्या बताऊं, फोन आता है कौन बोल रहा है, मैं ख्याली, कौन ट्राली। मगर नहीं भाई साहब, ख्याली ख्याली। तो दो तीन बार तो वो अंग्रेजनी ने भी वही पूछा, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज ख्याली। काली। काली नहीं बहन जी, है ये आगे डंडा ले की मात्रा ख्याली। काली। मगर ठीक है, काली किसने रखा ये नाम। मगर नाम कौन रखता है, जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी। ओके नाइस, तुम पैदा कैसे हुए। मैम का कैसे में क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है। नो नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए। मगर मैं राजस्थान। बोला नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान। मगर पार्ट पूर्ण नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोला नो नो पैलेस पैलेस कौन सी जगह पे पैदा हुए। तो मगर जी चार पाई। फटी चार पाई। अब फिर मेरी दिक्कत, मैं चार पाई की अंग्रेजी क्या बनाऊं। प्लीज टेल मी बट इज चार पाई। मगर चार पाई इज देसी बैड विद फोर पावर चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चार पाई देन ढिली होइंग फादर आइंग कसिंग 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 दिस इज चार पाई। ओके तुम कितने बहन भाई हो। अब मेरे को गांव वालों ने कहा था चक्के रखना काम, अंग्रेजों से दबना नहीं है। कितने बहन भाई। मगर बारह। बारह। फादर क्या करते हैं। मगर यही करते हैं। बोले ट्वेल्व। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे दो ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भी, बारह में से दो तो अच्छे निकल आएंगे। तो मेरी माँ गर्म हो गई, क्या कर रहा है, एक घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है बेचारों को, कोई चाय नहीं पूछा, कोई नाश्ता नहीं पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे वो बाजरे की रोटी सरसों का साग उनको दिया, वो अंग्रेज नाचने लग गए। ओ वाओ सिमट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती, ये ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो घास वो साग था ना, वो तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही, आंटी प्लेट का रखूं। आंटी प्लेट का। अच्छा भैया वाह। मकाई। वाह वाह क्या बात। तो बोली आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो आपको गांव दिखा लेता हूँ। हमारे गांव के ना पीछे रेलवे लाइन निकलती है, तो सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ काफी लोग ऐसे रेलवे लाइन पे डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस। मगर यार देश की बेइज्जती हो रही है, गांव की बेइज्जती। चलो मगर मैं आपको कालीबंगा दिखाता हूँ। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस। मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये आइटम मैंने बहुत पहले राजू भाई को सुनाई थी, तो राजू भाई ने इसमें ऐड किया कि ये दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हैं, कि ये सुबह सुबह यहाँ बैठ के फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। जीवन में जो एक तरह से राजू भाई से सीखने का ये मिलता है कि हमेशा हम हंसते रहें, खुश रहें। देखो टेंशन तो हर चीज के इंसान के दौर में जीवन में आती है। मैं भी सब जो कपिल भाई ने बताया ना, सब गरीब गुजारे से निकले। पहली नौकरी मेरी स्विमिंग पूल पे चौकीदार रहा, फिर मैंने 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी की। अब जब सब सेट हो गया कि मैं कपड़ा मिल में नौकरी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया। 13 जगह से टूटा ये। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। तो मैम मेरे को हर 7 दिन खोल लेते थे, सरिया लगाना है भाई साहब, यहाँ पेच लगाने हैं, मगर लगाओ मैं बेला ही हूँ। तुम काम सीखो, किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं मेरे हाथ में इतना प्लास्टर सारा दिन हॉस्पिटल में, और मेरे सारा भूख लग रही है, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं अपने आप को समझाता था, आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए, टूटा है हाथ तो क्या हुआ ख्याली, कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका
अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ, जब से उखड़ गया बाजू मेरा मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। बहुत बढ़िया, थैंक यू राजू भाई, आपकी यादें आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा आज के इस ट्रिब्यूट के लिए। थैंक यू कपिल भाई कि इस तरह का आयोजन किया आपने। थैंक यू राजीव भाई, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं, इन्होंने राजू भाई के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। राजीव भाई कुछ आपके अंदाज में हो जाए कुछ। राजू भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा, कानपुर से हम और राजू भाई दोनों नेबर पड़ोसी, बचपन से हम देखते आए हैं, तो ऐसी बहुत सारी बातें बहुत सारी यादें, लेकिन उनकी सबसे खास बात जो थी कि वो अपने यहाँ की जो बोली भाषा थी हमारे यहाँ की अवधी भाषा, उसको यहाँ पर लेकर के आए और उस अवधी भाषा में कई बार परफॉर्म करते थे। मुझे थोड़ी सी बोलने में हिचक लगती थी कि पता नहीं यहाँ के लोग उस भाषा को समझेंगे या नहीं समझेंगे, और जैसा कि अब ये कुत्ते वाला मैटर बताया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वो बोल करके बताते थे करते थे। अच्छा, उनका रोते छोटा जोक भी होता था ना उनका, जिस जोक में हमको लगता था यार तो बहुत मामूली सा जोक है, उसमें भी बड़े ठहाके लगवा देते थे कभी कभी, वन लाइन के जोक कि एक सुखी पति था। क्या बात है, बाल अच्छे, किसका था पता नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक महिला को मैंने देखा, उनके चार बच्चे, लेकिन चारों बच्चों के बीच में पांच साल का गैप था। तो मैंने उनसे पूछा कि पांच साल का गैप हर बच्चे में कैसे मेंटेन किया आपने? तो बोले मेरे पति MLA हैं। पांच साल में एक ही बार आते हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा ये बीच वाला, ये ढाई साल का बच्चा, ये कैसे? बोले कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। मुझे याद है राजू भाई का वो एक्ट जब उन्होंने किया था, दत्त साहब का निधन हुआ था, तो शाम को उन्होंने एक्ट बनाया राजू भाई ने, हम लोग मिले तो सुना रहे थे कि किस तरीके से मैयत में भी हंसी निकल आती है। अच्छा, मैयत में अक्सर है कि रोने वाले भी तरह तरह के लोग होते हैं, कुछ बड़े जेंटलमैन होते हैं जो रुमाल रुमाल लेकर के आते हैं बेचारे आराम से, समझ में नहीं आता है कि रो रहा है कुछ सूंघ रहा है। कि जुकाम हो गया क्या, मतलब अपने अंदर अंदर रुमाल के रो लेते हैं। कुछ लोग बाहर से ही इतने दहाड़े मार करके रोते, अरे आते जो मरा था वो उठ के बैठ, आ गए क्या तुम? वो फिर मर गई। ओह गॉड। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है ऐसे टाइम पे, जो एक्सपायर हुआ है उसकी पत्नी सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुख, जो भी बाहर से आता है उसकी वाइफ से ही पूछता है, भाभी कैसे हुआ? अब वो बेचारी बता बता के परेशान हो जाती है, क्योंकि बताती भी पूरा डिटेल में है। भैया क्या बता, कल रात में 8 बजे था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 बजे आ गए, कहने लगे समोसा खाएंगे। हमने समोसा वालों को फोन करके बुलाया, वो समोसा लेके आया, समोसा रख कर ये चले गए। कौन खाएगा समोसा? उधर अब ये गया, दूसरा करेक्टर आया, भाभी कैसे हुआ? अच्छा, पूरा फिर उसको डिटेल, क्या बताया भैया, कल 8 में 8 बजे तो 9 बजे आते, कल 8 बजे आ गए, कह रहे समोसा का, समोसा वाला समोसा ले गया, समोसा रख के चले गए, कौन खाएगा? अब पीछे दो लोग बात कर रहे हैं, बोले हमको तो लग रहा है भाभी को इनसे ज्यादा समोसे की टेंशन हो रहा है। अच्छा, फिर भी लोग मानते नहीं, फिर अगला आदमी चला, लाइन लगा खड़े हुए अगला आदमी, भाभी कैसा? फिर उसको डिटेल में बता रही, तो कब तक डिटेल में बताएगी? तो धीरे धीरे रोते रोते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वर्ड्स कैसे एडिट होते जाते हैं।
जब इतने लोग आ जाते। अब आठ आदमी पूछ चुके, नौवां फिर आया, भाभी कैसे हुआ? रात में आठ नौ से पूछा। वाह वाह, ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो गया अगला आदमी, भाभी कैसे हुआ? वो गया अगला आदमी, भाभी कैसे हुआ? फिर वो आया, भाभी कैसे हुआ? अब इसके बाद में भी लोगों से रहा नहीं, एक आदमी और बचा लास्ट में, वो भी आकर के बोल रहा है, भाभी कैसे हुआ? अब भाभी भड़क गई, बोले खुद ही मना अपना इसी से पूछ ले कैसे। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार राजू भाई को विनम्र श्रद्धांजलि। और कपिल का शुक्रिया कहूँ क्या बोलूँ, कि इस बीच में इन्होंने एक ट्रिब्यूट के लिए सारे लोगों को बुलाया। आई थिंक इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता था। शुक्रिया राजीव भाई, यही एक हास्य कलाकार की ये खूबी है। मैं कहूँगा कि जैसे इन्होंने राजू भाई का जिक्र किया कि कैसे हर माहौल में से, क्योंकि हर एक का अपना नज़रिया होता है, और जो भी हास्य कलाकार होता है वो सिर्फ एक ही नज़र से देखता है कि मैं इस माहौल को हास्य में कैसे उसको परिवर्तित कर दूं। सो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस था राजीव भाई, थैंक यू। तो दोस्तों, उससे पहले कि हमारे अगले कलाकार उठे, मैं आप सबसे वादा करता हूं कि ये सब कलाकार कल भी हमारे साथ इसी मंच पर बने रहेंगे, क्योंकि समय की कमी बहुत है और कलाकार अभी बहुत सारे हैं। सो दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभरात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.